तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे अगर आपका चेक गुम हो गया है या अगर आपने किसी इंसान को चेक दिया है, अगर वो इंसान चेक का मिस यूज ना कर सके, अगर आपको उस चेक को कैंसिल या स्टॉप करना हो तो आपको वो कैसे कर सकते हो। चेक को स्टॉप करने के लिए 5 तरीके रहते हैं। एक तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू चेक को स्टॉप कर सकते हो, या मोबाइल बैंकिंग से किसी भी एटीएम में जाके, या कस्टमर केयर के आईवीआर पे कॉल करके, एंड पांचवा आप नियरेस्ट के ब्रांच में जाके आप चेक को स्टॉप कर सकते हो। चेक को ऑनलाइन तरीके से स्टॉप करने के लिए आपको चेक नंबर चाहिए रहता है। अगर आपको वो आपके पास है तो आप ऑनलाइन तरीके से भी घर बैठे आप चेक को स्टॉप कर सकते हो। वो आप कैसे कर सकते हो सारा प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चेक को स्टॉप करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जो भी बैंक है उसके नेट बैंकिंग को ओपन करना है। जैसे कि हम अभी एक्सिस बैंक का आपको दिक्कत है चेक स्टॉप करके, तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। जो भी आपका कस्टमर आईडी या पासवर्ड रहता है उससे आपको लॉगिन करना है। जैसे आप नेट बैंकिंग पे लॉगिन हो जाओगे यहाँ पे आपको सर्विस पे क्लिक करना है। सर्विस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको चेक सर्विस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप चेक सर्विस पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको स्टॉप चेक का एक ऑप्शन खुल के आता है, तो आप स्टॉप चेक पे आपको क्लिक करना है। ओके, तो ये कुछ सीजन ले रहे तो हम फिर से इसको लॉग इन करते हैं एक बार। तो आप यहाँ पे आ जाओगे चेक स्टॉप रिक्वेस्ट पे क्लिक करके, तो आपको यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिखेगा। तो आपको अगर सिंगल चेक स्टॉप करना है तो आप चेक का यहाँ पे नंबर डाल सकते हो। अगर आपको मल्टीपल चेक को स्टॉप करना हो तो आप यहाँ पे शुरू से लेके यहाँ पे आखिरी तक यहाँ पे चेक का नंबर डाल सकते हो। जैसे कि फर्स्ट वाला चेक नंबर आपको यहाँ पे डालना है सारा, एंड आखिरी वाला चेक को आपको यहाँ पे चेक का नंबर डालना है, तो आपके सारे जो भी चेक है बीच में से वो सारे स्टॉप हो जाएंगे। अगर आपको चेक नंबर याद नहीं है तो आप सर्च चेक नंबर एंड स्टॉप पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने किसी को इश्यू किया है चेक तो आप यहाँ पे वो डेट सिलेक्ट कर सकते हो, एंड आप जो भी डेट सिलेक्ट करोगे यहाँ पे वो चेक नंबर वगैरह आ जाएगा। तो अभी हमारे पास सिंगल चेक है तो हम अभी चेक का नंबर यहाँ पे डालेंगे और उसको प्रोसीड करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक चेक नंबर डालेंगे, ओके। तो अभी चेक नंबर डालने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो चेक का जो स्टेटस है अभी अनयूज्ड है, ओके। यहाँ पे आपको रीजन सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको चेक किस रीजन से आप चेक को कैंसिल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे चेक को उस रीजन को आपको यहाँ पे वो डालना है। जैसे कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आप इन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। चेक आपका गुम हो गया तो आप चेक लॉस्ट पे क्लिक कर सकते हो, तो आप कौन सा भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे एक मिनट हम यहाँ पे चेक लॉस्ट पे क्लिक करेंगे, एंड नेट सिक्योर कोड पे आपको यहाँ पे जो भी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है तो आपको ओटीपी यहाँ पे डालना रहता है। तो अभी हम ओटीपी डालते हैं एंड स्टॉप चेक पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो चेक हैव बीन स्टॉप्ड सक्सेसफुली, ये रेफरेंस नंबर है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।